in today's video we'll see how to apply winged eyeliner with the liquid liner. यानी कि आप liquid liner से perfect winged eyeliner कैसे लगा सकते हैं. Winged eyeliner लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, but हाँ, अगर आपको सही technique नहीं आती हो तो उसको लगाना एक बहुत बड़ा task हो सकता है. तो अगर आपको भी winged eyeliner लगाना पसंद है but wing बनाना is the task for you, तो keep on watching because आज के video में मैं आपके साथ share करूँगी कुछ easy tips जिससे आप winged eyeliner को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं इस winged eyeliner tutorial के लिए. I am using this sugar, I want you so double matte eyeliner in the shade black swan because ये बहुत ही matte eyeliner है और इसकी tip भी बहुत अच्छी है. And जब भी आप liquid liner लें, make sure कि जितना भी excess product है tip पे उसको आप bottle से remove कर दें, because अगर बहुत ज़्यादा product brush पे होगा तो आपका eyeliner अच्छे से नहीं लगेगा. और जब आईलाइनर ड्रॉ करें तो एक काम कर सकते हैं कि जो आप मिरर यूज कर रहे हैं उसको अपनी आई लेवल पे रखें, जिससे आपकी आई सीधी रहेंगी और आपको आईलाइनर अपना बेटर दिखेगा. इससे आईलाइनर ड्रॉ करना भी इजी हो जाता है. नाउ कमिंग टू द आईलाइनर एप्लीकेशन, मेक श्योर कि आप हमेशा सेंटर ऑफ द आई से स्टार्ट करें और उसको बाहर की तरफ लेके जाएं, और जब ब्रश का प्रोडक्ट थोड़ा कम हो जाए तो उसको इनर कॉर्नर ऑफ द आईज पे लगाएं. इससे क्या होगा कि आपका जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो सेंटर ऑफ द आईज पे लगेगा, जहाँ पे हमें आईलाइनर मोटा चाहिए. और जब हमारे ब्रश पे प्रोडक्ट कम हो जाएगा और हम उसे इनर कॉर्नर पे लगाएंगे तो हमें बहुत ही थिन लाइन मिलेगी. इससे हमारा आईलाइनर अंदर की तरफ पतला रहेगा और बाहर की तरफ मोटा रहेगा, जो कि हमें चाहिए. अभी आप इस बात की टेंशन ना लें कि आपकी ये लाइन मोटी ड्रॉ हो रही है या पतली ड्रॉ हो रही है, बिकॉज हम इसको बाद में मोटा कर सकते हैं. तो बस एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर ले छोटे छोटे स्ट्रोक से, बहुत ज्यादा बड़े स्ट्रोक्स ना लगाएं बिकॉज उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. अब विंग के लिए आपको पहले थोड़ा सा उसे डेफिनेशन देना होगा. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी लोअर लैश लाइन की जो लाइन है उसको फॉलो करते हुए एक स्ट्रोक लगाएंगे इन द अपवर्ड डायरेक्शन, लाइक कि वो आपकी आईब्रोज की टिप को टच कर रही है, एंड उसको एक ट्राइंगल शेप में वापस ले आए. नाउ इन द आउटर कॉर्नर दिस इज काइंड ऑफ अ ट्राइंगल. अब इस ट्राइंगल को आप अपने लिक्विड लाइनर से फिल कर दें. इससे आपका ये विंग आईलाइनर बन गया है, बट जैसे कि अभी ये फिनिश नहीं है एंड ये इवन नहीं लग रहा है, तो आप धीरे धीरे स्ट्रोक से इसको एक इवन लुक दे सकते हैं, जिसमें आप स्टार्टिंग से एंड तक अपने ब्रश स्ट्रोक लगा सकते हैं. आई विल सजेस्ट कि हमेशा आप पतले विंग लाइनर से स्टार्ट करें और उसको फिर धीरे धीरे मोटा करें, बिकॉज अगर आप पहले से ही मोटा करेंगे तो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा है. तो देखा आपने कितना ईजी था, हमारा विंग आईलाइनर ड्रॉ भी हो गया है और पता भी नहीं चला है. नेक्स्ट स्टेप में आप चाहे तो काजल लगा सकते हैं. मुझे काजल लगाना पसंद है तो मैं अपनी वाटर लाइन पे काजल लगा रही हूँ और अपनी आईज को अच्छे से टाइट लाइन कर रही हूँ. और आंखों को थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए आई एम यूजिंग दिस मस्कारा. आई एम एडिंग जस्ट फ्यू कोट्स ऑफ दिस मस्कारा ऑन माय अपर एंड लोअर लैशेस, एंड दिस इज द फाइनल लुक. तो देखा आपने, परफेक्ट विंग आईलाइनर लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको एक ट्रिक आना चाहिए कि आपको वो विंग कैसे बनानी है और उसको जॉइन बैक कैसे करना है. एंड आई एम श्योर आपको एक हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेगा, तो आप डेली विंग आईलाइनर का ट्राई करें एंड विद इन अ वीक यू विल सी द इम्प्रूवमेंट. एंड अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगे तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना. आई वुड लव टू हियर कि आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ इस ट्रिक से. एंड इफ यू डू लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड इट हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग बिग थम्स अप. और हाँ यार, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करना, और उसके साथ में जो छोटा सा बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना, ताकि यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम माय साइड. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून. टिल देन टेक केयर.